Good morning, class. Welcome to JMC Study Hub. I'm your mentor, Kirti Khanna, and today we will be studying cognitive dissonance theory. In this, we will be studying cognitive dissonance concept, model, and at last, our questions. Cognitive dissonance theory was given by L.F. Stringer. Cognitive basically means your thinking process. It's related to your brain, right? आप जैसा सोचते हो, उसको process करना, analyze करना, recall करना, ये सारे आपके cognition हैं. And dissonance, you do not agree to it. जिन चीजों को आपका दिमाग accept करने से मना कर देता है, L.F. Stringer ने उसको study करके theory बनाई. This is a theory of psychology. And which translates into thought conflict. जब आपके दो thoughts contradict करें, when you have to make choice from the choices, आपके पास बहुत सारे options हैं और आपके सब favorite हैं. Suppose कि आपको like chocolate, strawberry, vanilla and black currant, इन सब में से आपको कब choose करना पड़े कि आपका favorite flavor कौन सा है. और लगभग सभी आपको पसंद है. It's very difficult to make choices. This and your brain is constantly conflicting the thoughts. वो continuously आपके आपका जो दिमाग है वो लड़ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं. Decision making process को वो बढ़ा रहा है, तेज कर रहा है. This is known as cognitive dissonance theory. And it was proposed in 1950. And it seeks information which confirms existing attitudes. आप उसी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हो जो आपके करंट एटीट्यूड को, करंट वे ऑफ बिहेवियर को, वे ऑफ थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है. सी, एज आई सेड कि जब दिमाग में हमारे क्लैशेस चल रहे होते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस और हमें उनमें से ही चूज करना पड़ता है, या जब हमारे पास दो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं, सपोज लाइक जो लोग टबैको कंज्यूम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उन लोगों को पता है कि टबैको इज not good for health, it's hazardous for health, or it leads to cancer. हमने हर जगह advertisement में ये सुना है, देखा है. Whenever they open a bag of tobacco or that pouch of tobacco, they think अगली बार से नहीं खाऊंगा, this is the last time. And despite knowing it has negative effects, वो उसको consume करते हैं. उनका brain उनको बार बार ये हिंट करता है, या ये पॉइंट भेजता है, या ये सिग्नल भेजता है कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. एंड देन अगेन दे हैव टू चूज, शुड आई कंज्यूम और शुड आई नॉट, राइट? दिस डिस्कम्फर्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स. देर आर मेनी फैक्टर्स, डिसाइडिंग फैक्टर्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. वॉट एवर द कंडीशन इज और द सिचुएशन इज, द सब्जेक्ट मस्ट हैव रिलेवेंस टू अस. जिस भी चीज की बात हो रही है, जिस भी थॉट की बात हो रही है, उसका हमसे रेलेवेंस होना चाहिए. इररिलेवेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करके हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड वी ह्यूमंस आर वेरी रैशनल. हम इतने समझदार हैं कि हम उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं चीजों पर बात करना पसंद करते हैं जो हमारे फायदे की हों. हाउ सॉलिड थॉट चॉइसेस और थॉट्स आर, वो जो कंसेप्ट है जिसको हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करना चाहता है या निग्लेक्ट करना चाहता है. सी, किसी भी चीज पे ध्यान कब जाता है, इधर वी हैव टू एक्सेप्ट इट और वी हैव टू नेग्लेक्ट इट. जब हमें एक्सेप्ट करना होता है तब हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, हम उसके बेनिफिशियल्स देखते हैं कि हमें इससे क्या बेनिफिट्स हैं. और जब हमें इसका रिजेक्ट करना रहता है या एक्सेप्ट नहीं करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू कीप इन कॉन्स्टेंटली द थिंग्स इन माइंड कि हमें ये चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है. इसी तरीके से दो चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं. नहीं तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही हैं. The capability of our mind to choose, rationalize or explain the thoughts. The third point is this explains कि हमारा mind, जैसा कि मैंने कहा कि humans are very irrational, इतना capable है कि वो select कर सके क्या सही है क्या गलत, right? But it is to a great extent affected by our habits. See what happens, we tend to defend ourselves every time. It's a human tendency कि हम अपने आप को, अपने पॉइंट को, अपने पॉइंट को, अपनी बातों को, अपने एक्शन को, अपने एटीट्यूड को डिफेंड करना चाहते हैं हमेशा. एज वी हैव स्टडीड, इट्स अ बैरियर आल्सो. इफ यू हैवंट स्टडीड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन,
प्लीज लॉग इन टू GMC स्टडी हब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय मी। सेल्फ इमेज के जो मैटर्स होते हैं कि हमारे एक्शंस, एटीट्यूड, थॉट्स को भी कीप ऑन जस्टिफाइंग, और हमारा जो ब्रेन है वो उनके लिए एक स्पेशल स्पेस रखता है कि यस दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू यू, हेंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी सेल्फ इमेज की चीजों पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जब भी आपका क्वेश्चन होता है, आपका माइंड कॉग्निटिव डिसोनेंस को बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है। द कॉग्निटिव डिसोनेंस फीचर ऑफ योर माइंड एक्टिवेट्स इंस्टेंटली। अब इसको हम न्यूट्रलाइज कैसे करें, हम इसको इस कॉन्फ्लिक्ट को हम समवॉट वी हैव टू सेटल इट, तो इसको हम कैसे करें? इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑल्टरिंग कॉग्निशन, लाइक चेंजिंग द बिहेवियर और एटीट्यूड। हम अपना बिहेवियर और एटीट्यूड, लाइक इट्स लाइक चेंजिंग द परसेप्शन, कि आप अगर अपना नजरिया बदल देंगे उस चीज को लेके, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो ऐसी बात क्यों हो रही थी या ये चीज हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। सपोजेडली यू वॉन्ट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपके फादर ने मना कर दिया है, सो वॉट यू विल डू, आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि मुझे जाने दो, और फादर ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। When you will understand the reason why he is not letting you to go, अगर आप उनके नजरिए से सोचेंगे, if he is right, if उनके जो reasons हैं वो सही हैं या valid है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके parents आपके लिए कितने worried रहते हैं। Changing cognition, see, we tend to प्रोसेस कंटिन्यूसली डिफरेंट थिंग्स, हम हर बात के बारे में इतना सोचते हैं, इतना थॉट करते हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करने लगती हैं। सपोज आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, मेंटली एबसेंट हैं, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, योर कॉग्निशन इज गोइंग ऑन, आपकी उस चीज़ को लेके कॉग्निशन चल रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सपोजेडली यू आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट समथिंग, गो एंड रीड सम आर्टिकल अबाउट इट, गो एंड सी वीडियो अबाउट इट। अगर आप किसी कंसेप्ट के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट, व्हाट डू यू डू, यू स्टडी इन द लाइब्रेरी, और यू जस्ट गो एंड वॉच द वीडियोस अवेलेबल, और यू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट? सो रेशनलाइज इट, लाइक चेंज इट, दूसरे तरीके ढूंढो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। एक ही चीज पे अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आपका परसेप्शन नहीं बदलेगा। ट्राई, go and try new things out there, adding cognition, rationalize our behavior by adding new cognitions. See, what is a new cognition? Jab us cheez pe advancement hota hai, theek hai, and try to learn some habits. If you have any bad habit, agar kisi ki smoking karne ki aadat hai, to continuously uska dimag conflict karta hai ki hum is cheez ko chhod dein ya karte rahe, like they take the new year's resolutions ki hum 1 जनवरी से स्मोकिंग नहीं करेंगे, या स्मोकिंग कम कर देंगे, या हम वीकली कर देंगे, या हम फॉर्टनाइटली कर देंगे, राइट? सो जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम अपने बिहेवियर में जब चेंज, अनटिल एंड अनलेस वी डोंट ब्रिंग चेंज इन आवर बिहेवियर, अनटिल एंड अनलेस वी डोंट ब्रिंग अ चेंज इन आवर ओन सेल्फ, वी आर नॉट एबल टू परस्यू अ हैबिट, राइट? तो आप उन चीजों के पास रहें जो आपको मोटिवेट करती हैं, उस आपकी आदत की तरफ या आपके कंसेप्ट की तरफ। सो यू आर एडिंग कॉग्निशन, मींस यू आर एडिंग मोर प्रोसेसेस टू इट, यू आर एडिंग एनालिसिस प्रोसेसेस और लाइक रिकॉलिंग प्रोसेसेस, आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं। दिस थ्योरी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। हाउ इट इज सब्जेक्टिव? बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्जर्व और सी व्हाट्स गोइंग इनसाइड आवर ब्रेन, वी कैन नॉट मेजर इट, कि आप सपोज यू से आई एम वेरी वरीड, तो हम नहीं देख सकते आपकी वरीनेस कहाँ पे आपके ब्रेन में चल रही है, या किस लेवल की वरीनेस में हैं आप, ठीक है? सो दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर, एज इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड और इट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। टिपिकल सोर्सेज ऑफ डिसोनेंस बिटवीन टू बिलीव्स, सी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी, व्हेन यू डोंट हैव enough points or enough proofs to justify yourself, तो जैसे कि आपसे कहा है कि आप, जैसा कि आपसे कहा है कि आप पार्क मत जाइए, और आपसे कारण नहीं बताया, ठीक है, तो you will be in a logical inconsistency कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं मुझे, क्या बात हो गई, ऐसा वहा क्या है, like these are the two beliefs, cultural mores,
Mores are the norm set by society largely for behavior and appearance. जैसे कि किसी सोसाइटी का या किसी कल्चर का अपना ड्रेस कोड है या अपना बिहेवियरिंग पैटर्न है, जिसको हम इंडिया में बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं, बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी हैव अ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल वास्टनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. हमारे यहाँ ट्राइब्स हैं जिनका कल्चर एकदम अलग है, नॉर्दर्न इंडिया का कल्चर अलग है, और उस कल्चर के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं विच वी हैव टू विच द पर्सन इन द कल्चर हैज टू फॉलो, राइट. एंड वंस इट्स लाइक कि ऐसा क्यों करना है, व्हेनेवर द क्वेश्चन अराइजेस ऑफ व्हाई, कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्टिवेट्स. पास्ट एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर कैन कॉज पर्सुएशन. अगर आपको कोई बात बताई जाती है, सो व्हाट हैपेंस, योर पास्ट एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कम टू योर माइंड कि अगर सी I have seen many people who are afraid of crossing the road, right, at traffic signals. Why? Because they say, no, I have seen such thing in my life where it's very difficult for me to cross the road alone. Your past experience and behavior can cause persuasion. Though there is a red light on the traffic and vehicles are stopped and there is a only particular way open for vehicles to pass, still they are afraid because of their past experiences. Discovered psychological characteristics as intervening. This means कि जो मीडिया है और जो ऑडियंस है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मीडिया लोगों तक वो बात नहीं पहुंचा रही है या मीडिया लोगों के थॉट्स के बीच में अपनी बात रख रही है. जैसा लोग सोचते हैं, जैसा लोगों का नजरिया है, वैसी मीडिया उनके लाइक कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स उनको प्रेजेंट कर रही है, राइट. सो दिस क्रिएट्स अ डिसोनेंस, a disagreement to the audience. And as we all know, this also acts as a barrier, psychological barrier hai ye, kyunki hum hamare jo thoughts hain wo hame hamare thoughts hame samjhane se rokte hain ki is cheez ko accept mat karo, right. This model can clearly explain you what dissonance is and how it creates it. The action and beliefs, there are two things create this inconsistency which leads to dissonance. And what dissonance bring changes in ourself is, they bring change in beliefs, change in action perception, which again lead to dissonance. And this is a continuous process. आपका आज कोई action है, आपका आज कोई belief है, उसको किसी ने contradict किया. Supposedly कि आपका कोई भी belief है कि suppose you are very you are too much into Maggie or having a habit of eating Maggie, right? Suddenly एक news आती है कि Nestle ने अपना statement दिया है कि 60% of its products are not on the mark of healthy level, right? So this creates a dissonance. आप सोच में पड़ जाएंगे, यार मैं तो frequent consume करता हूँ या करती हूँ Maggie and ऐसी न्यूज आई मीन्स इट विल अफेक्ट माई हेल्थ, सो दिस विल ब्रिंग अ चेंज इन योर एक्शन. यू वॉन्ट टू कंज्यूम द अमाउंट ऑफ मैगी एज मच एज यू डू अर्लियर. आपका बिलीफ बदला, नाउ यू आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, राइट. एंड अगेन दिस एक्ट्स एज अ डिसोनेंस, इट वॉन्ट अलाउ थॉट्स टू रीच यू, ओके. इट एक्ट्स एज अ बैरियर. सी आर एक्शन एंड बिलीव्स keep on changing without frame of reference. जितनी चीजों को हम जितनी चीजों से हम अवेयर होते हैं, जितनी चीजों की तरफ हम एक्सपोज होते हैं, उतना ही हमारे एक्शन और बिलीफ बदलते जाते हैं. एंड कॉन्टिन्यूसली दे एक्ट एज अ बैरियर एज वेल. वो हमें सेम हमारा बिहेवियर, हमारा लर्नड बिहेवियर या हमारा परसीव्ड बिहेवियर हमारे एज अ डिसोनेंस काम करता है. वो हमें थॉट्स को आने से रोकता है हमारे पास. एंड इफ द आर्ग्यूमेंट और द लाइक द आर्ग्यूमेंट और द स्टेटमेंट जस्टिफाई अस कि हाँ ये चीज हमारे लिए सही है क्योंकि ये ऐसी है, तो उस चीज के बारे में हमारा परसेप्शन बदल जाता है. अगेन आर एरिया इज ब्रॉडन्ड और नैरोड, राइट. ये थ्योरी ये बिल्कुल नहीं कहती है कि इसमें आपका ब्रॉडन ही होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नैरो ही होगा. वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपोज हो रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ,
राइट एंड डिसोनेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहता है. कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी इज अ डायनामिक थ्योरी. राइट नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट आवरसेल्फ्स. कॉग्निटिव डिसोनेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ सी व्हाट इज द क्लासरूम सिचुएशन क्या होती है, कैसी होती है. इन अ क्लासरूम देयर आर मेनी किड्स एंड अ टीचर इज टीचिंग. देयर आर आउटसाइड साउंड्स, sounds from different class, sound from the student talking within your class, teachers dictating. So what acts as a cognitive dissonance means aap tak wo message pahunchne mein kaun si cheez hinder kar rahi hai, aisi kaun si cheez hai jiske karan aap us message ko process nahi kar pa rahe ho. Is it the filtering of the message, student interest, student based interaction, chaotic condition? Option D, chaotic conditions. As I said, filtering of the message is not answer here just because ki message already filter hoke aap tak kaise aa rahe hain wahan pe, wo to direct communication hai, teacher interacting with the kid, wahan pe koi beech mein medium hai hi nahi. student ka interest isliye nahi iska answer hoga kyunki wo har person pe alag alag depend karta hai, lekin yahan pe baat ho rahi hai wo message ko wo process kyun nahi kar pa raha, accept kyun nahi kar pa raha, उसका ब्रेन उस मैसेज को लाइक एग्री क्यों नहीं कर पा रहा, उस मैसेज को प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रहा है. स्टूडेंट बेस्ड इंटरेक्शन, नो दिस वॉन्ट बी अ रीजन बिकॉज इससे तो उल्टा कॉग्निटिव बेटर फंक्शन करता है अपना. सो इट इज चार्टिक कंडीशंस, द कंडीशंस व्हिच आर प्रिवेलिंग नियर बाय द लाउड साउंड फ्रॉम आउटसाइड और द अदर क्लासरूम्स और द डिस्टर्बेंस इनसाइड द क्लास, दीज आर नोन एज chaotic conditions. Question number 2, does psychological character acts as a barrier? See, what is a psychological character? We have studied the barriers of communication. I hope you know what are the psychological characters. Psychological character is basically our frame of reference, things to which we are exposed or things which we already know, right? So what happens when you already know something, when something is your frame of reference, or when you are exposed to something, you're not able to accept it the same moment. Aap jaise hi kisi cheez ki taraf expose hote ho, aap usko usi pal nahi accept kar lete ho. See, in yesterday's class we have studied selective exposure, selective perception, selective retention, right? So bahut please keep in mind, agar hum ek theory ko स्टडी करते हैं, देर आर प्लेंटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स गोइंग बिहाइंड इट. सो साइकोलॉजी कैरेक्टर एक्ट्स एज अ बैरियर, यस इट डज एक्ट्स एज अ बैरियर. क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा एकदम से कि आपने कुछ नई चीज आपसे इंट्रोड्यूस हुई और आपने एक्सेप्ट कर ली. नो, राइट? सो यस, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर एक्ट्स एज अ बैरियर, इट्स ऑप्शन ए. ऑल्टरिंग कॉग्निशन इज चेंजिंग द बिहेवियर और एटीट्यूड, relevance of subject to us, logical inconsistency or objective measurement. See guys, in this class we don't need to go back because I know you all know very well that the altering cognition is changing the attitude or behavior. Alter means to change, right? Alter, agar baat aise nahi ban rahi hai so try some other way. Altering cognition can be easily understood in a classroom communication. अगर आपकी टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मेथड और द प्रोसेस, वो दूसरा मेथड ट्राई करती हैं. सी, दिस इज नोन एज अल्टरिंग कॉग्निशन. अल्टरिंग, सॉरी, कॉग्निशन इज किसी सिचुएशन, किसी नई सिचुएशन से जैसे ही आप कॉन्फ्रंट होते हो या जैसे ही आप सिचुएशन आपके सामने आती है, आप अपने बिहेवियर या एटीट्यूड अकॉर्डिंगली धीरे धीरे चेंज कर लेते हो. Attitude and behavior is not something which you instantly change because it's in your habit, right? So for the fourth question is, cognitive dissonance theory is given by Harold D. Laswell, Wilbur Schramm, L.A. Festinger, Paul Lazarsfeld. I hope you remember the theory is given by option C, L.A. Festinger, and it is based on a psychological theory, right? Past experiences and behavior can cause. Option A, attention. Option B, retention. Option C, persuasion. Option D, logical reasoning. See, attention is something which is related to present.
एंड रिटेंशन इज रिलेटेड टू पास्ट, बट रिटेंशन मीन्स कि आपको जब उस नॉलेज की, जब आप सेम सिचुएशन से कन्फ्रंट करते हो तो योर ब्रेन एक्टिवेट्स की लास्ट टाइम जब आप कन्फ्रंट हुए थे सिचुएशन से तब आपने कैसे रिएक्ट किया था, राइट? एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर कैन कॉज चेंज इन परसुएशन, आपके देखने का नजरिया बदल सकते हैं ये. रिटेंशन मीन्स रिमेम्बरेंस, कि आपको वो चीज कितनी याद है या आप वो चीज क्यों याद रखोगे. पर्सुएशन मीन्स इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, यू हैव एक्सेप्टेड इट. वंस द थिंग्स हैव हैपेंड विथ यू, यू विल एक्सेप्ट इट, राइट? लॉजिकल रीजनिंग वॉन्ट बी एन आंसर बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट्स अ कॉग्निशन प्रोसेस इटसेल्फ. सो पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर कैन कॉज ऑप्शन सी, पर्सुएशन इन योर नेचर. Thank you, class. Thank you for studying at JMC Study Hub. Please do like, share, and subscribe our channel.